जैसे ही ये समाचार आया कि जनता कर्फ्यू वॉलंटरीली संडे को किया जाएगा, तो सारे अधिकारियों की टीम को इसमें लगाया गया है। 10 टीम्स हमारी शहर में बनी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हो कि वो इन्फोर्समेंट का काम पिछले 4 दिन से कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए 7 टीम बनी हुई हैं सभी SDMs के निर्देशन में। उन सभी टीम्स को निर्देशित किया गया कि सारे लाउड स्पीकर के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से, जितने भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उनके माध्यम से, उसके अलावा जितनी बैठकें वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, लोकल एरियाज़ की, लोकल जनप्रतिनिधियों की, लोकल व्यापार एसोसिएशन की, सबकी मीटिंग करके आज दोपहर तक क्लियर कर दें कि कल सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिसको भी कल के लिए आवश्यक परचेजेस करनी है वो आज ही कर लें। कल नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनकी दुकानें भी बंद रहेंगी, जैसे कि हमारी दूध की दुकानें हैं, ब्रेड की दुकानें हैं, जनरल स्टोर हैं, सब्जी मंडी है, ठेला ठेली हैं, या जो पटरी मार्केट हैं, ये भी सब कल बंद रहेंगे। तो जिनको भी कल के लिए सामान की आवश्यकता है वो आज ही खरीद लें। साथ ही ये भी लोगों को बताएं कि पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। जो कल का जो सेल्फ वॉलंटियर्ड कर्फ्यू है वो आने वाले लंबे समय तक नहीं चलाया जाना, तो सामान की होर्डिंग भी ना करें। ऐसा ना हो कि अफवाह फैलने लगे और लोग भविष्य के लिए होर्डिंग करने लगे और अचानक से सामान की किल्लत मार्केट में हो जाए। तो दोनों चीज़ करने के लिए कहा गया है और लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये किया जा रहा है, तो खुद सुरक्षित रहने के लिए वो आइसोलेट करें खुद को और जनता कर्फ्यू का पालन करें। सर, क्या पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे कल? जी, ये जो हमारी अनाउंसमेंट है उसका भी ये पार्ट है। सारे पेट्रोल पंप, सारे CNG स्टेशंस, ये भी कल बंद रहेंगे। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। इक्का दुक्का ऑटो हमने अलाउ करने के लिए कहा है। कोई इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए हमारी एम्बुलेंसेज और कुछ हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करने के लिए कहा गया है। दवाओं की कुछ नेसेसरीली दुकानें एक एक दो दो मोहल्लों में एक एक करके आइडेंटिफाई करते हुए उनको खोलने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन इसके अलावा जो बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई चीज़ और इमरजेंसी से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, उन सबको बंद रखा जाएगा। ठीक।